गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज का क्लास हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे हाउ आर यू बोलने के और क्या क्या एडवांस तरीके हो सकते हैं। और उसी के साथ एक हम लोग और भी यूनिक चीज समझने वाले हैं, वो है हमारा हाउ डू यू डू। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानते हैं हाउ डू यू डू का मतलब कुछ और होता है, और गलत जानने की वजह से वो इसका आंसर गलत करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हाउ आर यू की जगह और क्या क्या एडवांस तरीका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, मैंने सबसे पहले लिखा है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप, अगर आप आपसे किसी ने पूछा व्हाट्सएप और आपने उसका आंसर कर दिया आई एम फाइन, आई एम फाइन, या फिर आपने आंसर कर दिया आई एम गुड, मैं ठीक हूं, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि व्हाट्सएप का मतलब आप कैसे हैं बिल्कुल नहीं होता है। व्हाट्सएप का मतलब होता है कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो आप इसका आंसर आई एम फाइन आई एम गुड नहीं कर सकते, मैं ठीक हूं नहीं कर सकते। अगर आप इसका आंसर करना चाहते हैं, रिप्लाई करना चाहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, नथिंग, यानी कुछ नहीं। आप बोल सकते हैं नॉट मच, ज्यादा कुछ नहीं, या फिर आप कह सकते हैं नॉट मच जस्ट स्टडिंग, नॉट मच जस्ट स्टडिंग, यानी ज्यादा कुछ नहीं, मैं पढ़ाई कर रहा हूं। या आप बोल सकते हैं, अगर इसका सेंस ये आए कि क्या हो रहा है, तो आप आंसर में बोल सकते हैं नथिंग, नॉट मच, या फिर आप कह सकते हैं एज यूजुअल, यानी हमेशा की तरह, यानी हमेशा की तरह जो चल रहा था वही चल रहा है। या फिर आप कह सकते हैं सेम एज ऑलवेज, सेम एज ऑलवेज, हमेशा की तरह। तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट तरीका हमारा क्या हो सकता है, व्हाट्स गोइंग ऑन। व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन का भी मतलब क्या होता है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो इसके लिए भी आंसर आप नथिंग, नॉट मच, नॉट मच, जस्ट स्टडिंग, जस्ट वॉचिंग टीवी, जस्ट प्लेइंग क्रिकेट, आप कुछ भी बोल सकते हैं। एज यूजुअल, हमेशा की तरह, सेम एज ऑलवेज, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा तरीका क्या है, व्हाट आर यू अप टू। व्हाट आर यू अप टू, अगर आप इसका आंसर करते हैं आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई एम गुड, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। क्योंकि वो व्हाट आर यू अप टू का मतलब आप कैसे हैं बिल्कुल नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग, इसका मतलब क्या हो जाएगा, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग होता है। तो आप इसका आंसर क्या कर सकते हैं, सेम ये जो आपने आंसर देखा है इसी का इस्तेमाल आप रिप्लाई में कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, और नेक्स्ट है हमारा हाउ डू यू डू। अब हाउ डू यू डू का मतलब क्या होता है, इसका कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर किसी ने कहा हाउ डू यू डू और आपने कहा आई एम फाइन, आई एम ओके, आई एम गुड, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि हाउ डू यू डू का मतलब आप कैसे हैं बिल्कुल नहीं होता है। इसका मतलब आप कैसे हैं बिल्कुल नहीं होता है। हाउ डू यू डू का मतलब होता है आपसे मिलकर खुशी हुई। इसका मतलब क्या होता है, आपसे मिलकर खुशी हुई। बहुत लोग समझते हैं कि हाउ डू डू का मतलब होता है आप कैसे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। हाउ डू डू का मतलब होता है आपसे मिलकर खुशी हुई। और इसका इस्तेमाल कब करेंगे, जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं, यानी जब फर्स्ट टाइम आप किसी से मिलेंगे तो आप हाउ डू डू का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि ये सुनने देखने में काफी अजीब लगता है, डिफरेंट लगता है कि हाउ डू डू का मतलब आपसे मिलकर खुशी हुई कैसे होगा। क्योंकि अगर हम ट्रांसलेट भी करते हैं इसको, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, हाउ डू डू का ट्रांसलेशन हो जाएगा आप कैसे करते हैं, लेकिन बोलचाल की भाषा में इसका मतलब होता है आपसे मिलकर खुशी हुई जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं। थोड़ा अजीब मुझे भी लगता है, लेकिन अब बोलचाल की भाषा है तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। तो कभी भी आप किसी पर्सन से फर्स्ट टाइम मिले तो आप हाउ डू डू का इस्तेमाल करें। इसके रिप्लाई में हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप रिप्लाई में
सेम हाउ डू यू डू का इस्तेमाल कर सकते हैं, हाउ डू यू डू का इस्तेमाल आप रिप्लाई में कर सकते हैं। अदरवाइज आप नाइस टू मीट यू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नाइस टू मीट यू, या फिर आप कह सकते हैं प्लीज टू मीट यू, प्लीज टू मीट यू। इन तीनों का मतलब होता है आपसे मिलकर खुश हुई, क्योंकि अगले बंदे ने आपसे कह दिया आपसे हाथ मिलाते समय हाउ डू डू, यानी आपसे मिलकर खुशी हुई। तो आप कोशिश करिए कि आप थोड़ा सा डिफरेंट आंसर करिए, आप बोलिए नाइस टू मीट यू, आप बोलिए प्लीज टू मीट यू। समझ में आया कॉन्सेप्ट हमारा हाउ डू डू का? अच्छा, अब ध्यान दीजिए, अब नेक्स्ट टाइम जब आप पहचान वाले व्यक्ति से मिलते हैं तो आप क्या कहते हैं, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, इसका आंसर आप क्या कर सकते हैं, रिप्लाई क्या कर सकते हैं। अगर सिंपली में आप रिप्लाई करना चाहते हैं तो आप क्या कहेंगे, आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम फाइन, आई एम वेल, आप सिंपली में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ा अच्छा आंसर करना चाहते हैं तो आप बोलेंगे आई एम वेरी फाइन, या फिर आई एम वेरी फाइन टुडे, आई एम वेरी फाइन टुडे, आज मैं बहुत अच्छा हूँ। या फिर आप कह सकते हैं आई एम क्वाइट वेल, क्वाइट वेल का मतलब, क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल, वेल मतलब ठीक, अच्छा, आई एम क्वाइट वेल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। अच्छा ध्यान दीजिए, हाउ आर यू किसी ने कहा, आप कैसे हैं, और कोई दूसरा तरीका अगर कोई एडवांस तरीका इस्तेमाल करता है और वो बोलता है आपसे हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग, इसका भी मतलब क्या होता है, आप कैसे हैं, हाउ आर यू डूइंग का मतलब आप कैसे हैं। तो इसका आंसर आप कर सकते हैं I am doing well, आप क्या आंसर कर सकते हैं, I am doing well, या फिर आप कर सकते हैं I am doing good, I am doing good, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ग्रामर में ध्यान दीजिए, यहाँ पर good का इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि गुड क्या है, एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव जो है किसी नाउन का विशेषता बताता है, न कि किसी वर्ब का। वर्ब का विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब, यहाँ वेल क्या है, एडवर्ब है, तो एडवर्ब यहाँ पे इस वर्ब का विशेषता बता रहा है, तो ग्रामेटिकली ये सही होगा और ये गलत होगा। लेकिन बोलचाल की भाषा है तो बोलचाल की भाषा में ये सारी चीजें सही है, ये फाइन है। अच्छा, किसी ने क्वेश्चन पूछा, आपने आंसर कर दिया, तो हम भी तो सामने वाले से पूछेंगे, किसी ने हमसे पूछा आप कैसे हैं, मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो हम भी तो सामने वाले से पूछेंगे कि आप कैसे हैं, तो आप क्या कहेंगे, थैंक्स यानी शुक्रिया। एंड यू, बहुत लोग पूछते हैं एंड यू, और आप बताइए कैसे, नहीं ये तरीका आप बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करेंगे, आप बेहतरीन तरीका इस्तेमाल करेंगे और वो है वॉट अबाउट यू, वॉट अबाउट यू, वॉट अबाउट यू का मतलब क्या होता है कि आप अपने बारे में बताइए, और वॉट अबाउट यू आप जहां जहां इसका इस्तेमाल जिस क्वेश्चन पे करेंगे, ये सेम क्वेश्चन वो सामने वाले से हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई आपसे मिलता है, आपसे पूछता है कि आप, आपके पिताजी क्या करते हैं, तो आपने कहा कि माई फादर इज अ डॉक्टर, फिर आपने उससे कह दिया कि वॉट अबाउट यू, इसका मतलब आपके पिताजी क्या करते हैं। कोई आपसे मिल गया रास्ते में, ठीक है, आपने उससे पूछ दिया वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, उसने क्या कह दिया कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट, और फिर उसके बाद उसने कह दिया व्हाट अबाउट यू, इसका मतलब आप कहाँ जा रहे हैं। तो चीजें समझ में आए आप लोग को, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोग हाउ आर यू के जगह पे इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू वेरी मच।